हमारा मतलब एक टारगेट होता है, वो तो हम गए तो गोल्ड के लिए थे, पर इस बार हम चूक गए। नेक्स्ट टाइम हम प्रयास करेंगे कि ये जो हमारा गोल्ड का सूखा है इसको भी खत्म करें। सफ़र तो बहुत मुश्किल रहता है, आपको पता है हमारे यहाँ मतलब हर चीज़ की इतनी सुविधा नहीं है, पढ़ाई से लेके ट्रांसपोर्टेशन और मोटिवेशन। बाकी धीरे धीरे जैसे आप अपना जो आप एक सपना चुनते हैं उसको पूरा करने के लिए आपको लगन मेहनत आदमी के मन में एक विश्वास रहता है। बाकी यहाँ के युवाओं में एक जो अब हमारी प्रकृति ऐसी है, हम इसके आदमी को इतना कठोर और इतना जुझारू बनाती है कि वो आगे यदि सोच ले मन में ठान ले तो कोई भी मंजिल हासिल कर सकता है। तो मेरे को प्रेरणा मेरे मामा जी श्री आदरणीय गुलाब सिंह जी से मिली, उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में और रुचि बढ़ाई और मेरा टारगेट था कि मैं देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पदक लाऊं, तो उसी में उनके मार्गदर्शन में सब कुछ संभव हुआ। तो इससे पहले मैंने घुड़सवारी 2005 में शुरू की थी और मैं 2018 में एशियन गेम में गया। इसके बीच का सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा, कई बार ऐसे लगता था कि मैं घोड़े से गिर के कई बार चोटें भी आई हैं, मेरे हाथ फ्रैक्चर भी हुआ है, पर एक जो मन में एक संकल्प था, एक जो मंजिल चुनी हुई थी उसको हासिल करना एक अंदर जज्बा होता है, तो आप फिर चोट का और परेशानियों की परवाह करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सर इनमें बहुत डिफरेंस है, ये जो घुड़दौड़ आयोजित होती है ये ठीक है माहौल पैदा होता है, इससे कंपटीशन की भावना बढ़ती है, पर जो प्रोफेशनल घुड़सवारी है वो आपको जो एशियन गेम्स और ओलंपिक में गेम्स होते हैं ये हमारे यहाँ पे बहुत कम है, मतलब इतनी जानकारी नहीं है लोगों को। इसमें रुचि बढ़ाने के लिए स्टेट लेवल पे भी यदि हमारी राज्य सरकार गेम आयोजन करवाती है तो युवाओं में और भी इसके लिए बहुत अच्छा आगे फ्यूचर चुनने का मौका। हाल ही मैं क्या पूरा प्रदेशवासी इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब और माननीय खेल मंत्री श्री अशोक चांदना उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी प्रेरणा है कि वो खेल के माध्यम से भी अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं। पहले क्या होता था, जो गेम में कर रहा है अच्छा कर रहा है उसकी पढ़ाई पीछे छूट जाती थी, उसको फिर नौकरी के लिए बहुत उसके स्ट्रगल करना पड़ता था। अभी आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय खेल मंत्री साहब ने ऐसी योजना बनाई है कि युवा अपना स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे और नौकरी की परवाह सरकार करेगी इसकी, तो ये युवाओं के लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा मोटिवेशन है कि हम खेल के माध्यम से भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए। हाँ वही यार, मैं यही कहना चाहूँगा युवा, आप पढ़ाई में अच्छे हो तो पढ़ाई में अपना आप फ्यूचर जो भी आपका आगे मकसद है वो हासिल करो, नहीं तो खेल के माध्यम से भी आप करो। ऐसे नहीं कि हम पढ़ाई में भी नहीं है खेल में भी नहीं बीच में रह के रह जाएँ, तो आप अपना खेल के माध्यम से भी यदि हम पढ़ाई में रह जाते हैं कहीं तो खेल के माध्यम से भी अपना फ्यूचर सुधार सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, मतलब एक टारगेट होता है वो तो हम गए तो गोल्ड के लिए थे पर इस बार हम चूक गए, नेक्स्ट टाइम हम प्रयास करेंगे कि ये जो हमारा गोल्ड का सूखा है इसको भी ख़त्म करें।